स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। दुबई में प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि जमशेदपुर के एजेंट द्वारा भेजे गए दो युवक भूखे प्यासे रहने को मजबूर है, जिसको लेकर दोनों युवक वीडियो बनाकर उनके परिस्थिति के बारे में जानकारी दी है, जिसे लेकर परिजन जिले के SSP एम तमिलवानन से भेंट कर दोनों युवकों को वापस लाने के लिए गुहार लगाई है। परिजनों और दोनों युवकों द्वारा बताए गए जानकारी के अनुसार मोहम्मद जिशान पिता सैयद मोहम्मद साकिन और उसके साथी मोहम्मद अशरफ दोनों जुगसलाई पुराना बस्ती न्यू पटना लाइन के रहने वाले है। बेरोजगार होने के वजह से वे लोग काम की तलाश में थे। इसी बीच मानगो के रहने वाले मोहम्मद फैज, जो अल्फैज नामक संस्था का संचालन करता है और युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने का बात करता है, वह उन दोनों को भी दुबई में डिलीवरी सर्विसेज जॉब दिलाने की बात कही, जिसके बदले में प्रत्येक व्यक्ति 85,000 रुपए खर्च में होने की बात कही, जिसके बातों में आकर दोनों ने कुल 1,70,000 रुपए उसे दिए, जिसके बाद 28 अगस्त को दोनों को दुबई के राइडर सर्विसेज कंपनी का वीजा और एयर टिकट देकर दुबई भेज दिया, जहां पहुंचने पर संबंधित कंपनी के अधिकारी ने उनसे वीजा ले ली और कहा कि वे किसी एजेंट को नहीं जानता और यहां नौकरी चाहिए तो प्रति व्यक्ति 2,70,000 देने होंगे। उसके बाद से वे लोग दर दर भटक रहे हैं। इसको लेकर दोनों युवकों ने दुबई प्रशासन और एम्बेसी से शिकायत की, लेकिन वहां किसी प्रकार का सहायता उन्हें नहीं मिली। अंत में वे लोग किसी तरह मोबाइल में अपना वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा, जिसमें वे कह रहे हैं कि वे लोग उन 4 महीनों से दर दर भटक रहे हैं और पिछले 4 दिनों से वे लोग भूखे प्यासे हैं, उनकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं है और उन्हें दुबई से वापस ले जाएं। इसके बाद परिजनों ने मानगो के एजेंट से भेंट करने का प्रयास किया, लेकिन जानकारी मिली कि वह कुछ दिनों से शहर छोड़कर फरार है, जिसके बाद दोनों युवकों के परिजन SSP के पास पहुंचे और स्थिति से अवगत कराते हुए दोनों को दुबई से वापस लाने के लिए गुहार लगाई है। हम लोग यहां पर दुबई में 3-4 महीना हुआ है आकर, हम लोग को इंडिया से एजेंट भेज के यहाँ दूसरा कंपनी बोल के एक लोकल अरबी के पास भेज के फंसा दिया हम लोग को यहाँ पे। हम लोग यहाँ पुलिस कंप्लेन किए, एम्बेसी में गए, यहाँ लेबर कोर्ट में भी अप्लाई किए, कोई हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग 4 दिन से भूखे प्यासे हैं, हम लोग के पास रहने के लिए जगह नहीं है। हम लोग दूसरे के घर पे बोल बोल के, थोड़ा जान पहचान वाला कोई मिल जा रहा है तो थोड़ा बहुत, एक दिन उसके यहाँ रह रहे, एक दिन उसके यहाँ रह रहे, खाने के लिए नहीं हम लोग के पास, सोने के लिए जगह नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे, कोई मदद करने वाला नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड सरकार और भारत सरकार हम लोग को मदद करे। हम लोग बहुत सारा अपील किए, हम लोग हेमंत सोरेन का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी कॉल किए, लेकिन हम लोग को कोई हेल्प नहीं मिला। हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे, हम लोग को मदद चाहिए। हम लोग को भरोसा है कि भारत सरकार और झारखंड सरकार हम लोग का मदद करेगा। यहाँ का सरकार पर हम लोग को भरोसा नहीं है, कोई हम लोग को पुलिस मदद नहीं कर रहा है, कोई हम लोग का हेल्प नहीं कर रहा है। हम लोग का आग्रह करते हैं कि हमारे जो CM है, हमारे जो मंत्री है, हमारी मदद करें, हमें वापस घर बुला लें, नहीं तो हम लोग यहाँ पे भूखे प्यासे मर जाएंगे। हम लोग का कोई और सहारा नहीं है। धन्यवाद। अहमद मेरा भगना है, हमको बोला कि मामा ऐसा ऐसा बात है, मोहम्मद फैज जो है हमको बोला कि एक वीजा आया हुआ है, नौकरी में भेज देंगे, अच्छा कंपनी है, 1,00,000 रुपया सैलरी जाएगा। तो आके बोला तो हम बोले ठीक है, जब ऐसा बात है तो चले जाओ। और वहाँ जाने के बाद 10 दिन के अंदर वो वीजा वीजा लगा दिया, 85,000 रुपया हमसे लिया, और लेने के बाद वो बाहर भेजा। भेजने के बाद वहाँ से अभी फोन आता है कि मामा बहुत परेशान हैं, 4 महीना से खाने पीने के लिए भी कोई पैसा नहीं है, कंपनी कुछ बुलाया नहीं, बोलता 2,70,000 रुपया दीजिएगा तो लाइसेंस वीजा आपको नौकरी मिलेगा, नहीं तो यहाँ से जा भी नहीं। कितने लोगों को ले गया है? यहाँ से मेरा भांजा और एक उसका दोस्त है, और ऐसे कई लोग को ले गया है माने इस काम में, मगर हमको तो इल्म नहीं है, मगर मेरा दो आदमी का इल्म है। जो दुबई में फंसे हैं उसको क्या काम कराया जा रहा है वहाँ? अभी कोई काम नहीं, वो माने डर डर के भटक रहा है, कोई काम नहीं है, रूम लेके भाड़ा में किसे लिया वो भी पैसा खत्म हो गया, अभी भटक रहा है, कोई दोस्त में कोई कुछ हेल्प कर दिया, जैसे हमारे ऐसा आपके ऐसा कोई आदमी बेटा। कौन सा एजेंट है वो? अल्फैज है उसका, वो आपको मानगो में रहने वाला है, समझे? उसके घर गए हैं तो उसका घर वाला बोला कि मोबाइल भी बंद बता रहा, घर में बोला कि नहीं है,
कहाँ गया पता नहीं। अभी एसपी साहब से मिले आप? नहीं अभी मिले नहीं है, अभी मिलने जा रहे हैं। कहाँ से आप आए? हम जुगसलाई से आए हैं, पुरानी बस्ती रोड न्यू पटना कॉलोनी से। क्या नाम है? खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।